ऑल इन आरएसबी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से जितने भी टेंपल्स हैं वहां से इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि है इस प्रकार से, मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मृकुला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, लाहौल में। मृकुला देवी मंदिर जो है वो लाहौल में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटकोटी मंदिर किस जिले में स्थित है। हाटकोटी मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, शिमला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो कितने मंदिरों का समूह है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन 6, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लर्निंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सन टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, नीरत के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। रंगनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, पुराना बिलासपुर के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 मंदिरों के समूह के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। 84 मंदिरों के समूह के लिए जो है वो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, भरमौर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु का प्राचीनतम मंदिर जो है वो कहां पर है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, मनाली के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया। चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, साहिल वर्मा जी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आंसर रहेगा करसोग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसिद्ध मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है, तो आंसर रहेगा हमीरपुर, इज द राइट आंसर। तो देवसिद्ध मंदिर जो है वो हमीरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो प्राचीन रॉक कट टेम्पल है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, मशरूर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा काली मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, सराहन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। 1527 ईस्वी में मंडी के अंदर जो है वो भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, अकबर सेन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, मनी महेश इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतम भाग जो है वो किस जिले में है, तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा ए ऑप्शन, उन्ना इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवलोकेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, लाहौल स्पीति के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल में मृकुला देवी मंदिर किस मूर्तिकला का नमूना है। लाहौल में जो है वो मृकुला देवी मंदिर किस मूर्तिकला का नमूना है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, धातु कला का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के किस शासक ने 1346 ईस्वी में जो है वो प्राचीन मंदिर बनवाया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, बाणसेन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का एलोरा अर्थात पत्थर की निकासी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, मसरूर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में जो है वो सूर्य मूर्ति विराजमान है। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में जो है वो सूर्य मूर्ति विराजमान है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बजौरा के अंदर महिषासुर मंदिर में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इसे ऑफलाइन या हमारी वेबसाइट से भी पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में जाकर www.rsplatestinfo में जाकर जो है वो रीड आउट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे कि आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसका भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम का कंटेंट भी आप तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाएं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमने जो है वो फूड चैनल, ट्रैवलिंग एंड फूड से रिलेटेड एक नया चैनल बनाया है, क्योंकि पढ़ने के साथ हमें अच्छा खाना और घूमना भी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल को क्रिएट किया, जिसके लिए आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप फ्रेंड्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।